नमस्कार, इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। विकास कार्य करेंगे मनोज कुमार सिंह प्रधान प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में मनोज कुमार सिंह प्रधान प्रत्याशी ने बताया कि अगर जनता को बहुमत से चुनाव जिताती है तो गांव का विकास कार्य ऐसा करेंगे। मनोज कुमार सिंह प्रधान प्रत्याशी ने बताया कि क्षेत्र की जनता की प्रत्येक व्यक्ति की हर समस्या का निदान हेतु कार्य करेंगे। सड़क नाले का निर्माण कराएंगे, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत के सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर मस्जिद आदि स्थानों पर लाइट की व्यवस्था करनी होती है ताकि ऐसे स्थानों पर पर्याप्त उजाला रहे, ऐसा कार्य करेंगे। सवार उस्तमपुर का मैं निवासी हूँ। क्या प्रधान प्रत्याशी खड़े हैं आप? जी। अब क्या आबादी कितनी होगी? ये लमसम 1400 करीब। पोलिंग कितना होती है? पोलिंग 800 करीब होगी। क्या पहली बार है या पिछली बार वोट डाला? नहीं, ये मेरा प्रथम बार है प्रधान प्रत्याशी के रूप में। जी, गांव की जनता आप उतने प्यार देती तो आप उनके लिए किस विकास काम करेंगे? जी देखिए, पहले तो इस गांव में विकास और प्यार की बात तो अलग है। यहाँ पे जब भी प्रधानी का चुनाव होता है एक डर का माहौल जो पैदा हो जाता है जनता के बीच, उसको मैं ख़त्म करने के लिए लड़ रहा हूँ। और जो अपना ये प्रधान प्रत्याशी जो मैं हूँ, वो मैं नहीं, पूरे गांव का वोटर होगा मेरे जीतने के बाद। हर गांव का नागरिक प्रधान होगा और एक जो सत्ता का मैं केंद्रीकरण हो जाता है, मैं घर में बनूं, मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, ये हैं, वो नहीं होगा। मैं यहाँ अभी अकेले रहता हूँ और जो भी होगा सीधे जनता से मेरा संपर्क होगा, मेरे से बात होगा। मैं ये भी नहीं कह पाऊँगा कि मेरा भतीजा है, मेरा वो है, ठीक है ना। और मैं गांव के विकास के लिए, गांव के मतलब जनता का अच्छे से सुलभ हो जाऊं, उसके लिए लड़ रहा हूं। जी, तमाम तरह की योजना सरकार की आती है, सड़क हो गए, नालिया हो गए, तमाम व्यवस्था आती है। इसके अलावा भी गांव के विकास करने के मुद्दा ये होता है, जैसे ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख से लेकर सांसद मेरी लाते हैं विकास करने के लिए। यहाँ तक उनकी भी प्रयास रहती है। गाँव सबसे बड़ा नंबर वन अपना गांव ब्लॉक में चाहे जिले में हो। जी जी जी, इसका भी आपको पहले किस तरह आपको पहले भी होगी तो। इसके लिए मैं अथक प्रयास करूंगा अपने माननीय सांसद गण से, माननीय विधायक गण से, जितना हो सकेगा मैं उनसे प्रयास करके और गांव को नंबर वन लाने की पूरा प्रयास करता रहूंगा। पंचायत चुनाव पर गांव की जनता के लिए क्या संदेश देंगे? पंचायत चुनाव पर ये संदेश देना चाहे, गाँव की जनता निर्भीक होकर अच्छे प्रत्याशी को मतदान दे, अपने मनपसंद प्रत्याशी को मतदान दे, किसी से कोई डर ना करे, भय ना पाले, ना दारू पे जाए, ना खाने पे जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।